हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरके मेथड के आपके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक के अंदर। मैंने इससे पहले आरके मेथड का आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था, यहां पर मैं एक न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरह है कि सॉल्व द इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन ये दे रखे कि एक्स नॉट मेरा अगर जीरो है तो y नॉट मेरा वन आएगा। फॉर y व्हेन x इज इक्वल टू 0.2 बाय आर के मेथड। अब यहां पर मुझे मेंशन्ड बिल्कुल भी नहीं है कि मेरे को कौन सा ऑर्डर का आर के मेथड यूज करना है, तो मैं कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो जब आपको मेंशन नहीं है तो आप फोर्थ ऑर्डर यूज करें। अब यहां पर स्टार्ट करते हैं, मेरे को x 0.2 के लिए निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, h जो है 0.1 रख सकता हूं। 0.1 रखूंगा तो पहले मेरा x इज इक्वल टू 0.1 के लिए वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहां पर अगर देखूं तो 0.1 के लिए आएगी, फिर और h बढ़ेगा तो 0.2 के लिए आ जाएगी। तो इस तरह से मेरे वैल्यूज आ जाएंगी। यहां पर 0 के लिए मेरे को पता है कि 1 है। अब h मैंने ये रख लिया, x नॉट मुझे पता है 0 है, y नॉट मेरे को 1 है। अब सबसे पहले मैं अगर फॉर्मूला देखूं तो दैट सेज इट्स y नॉट प्लस 1/6 k1 प्लस 2 k2 प्लस 2 k3 प्लस k4। जो मेरा मेन फॉर्मूला है वो कहता है कि अगर y मेरे को निकालना है और y लेट से मेरे को 0.1 पे ही चाहिए था तो ये मुझे चाहिए होगी सारी वैल्यूज। तो k1 k2 k3 k4 मैं कैलकुलेट कर लूंगा, उनको कैलकुलेट करते हैं। k1 को पहले देख लेते हैं, k1 इज नथिंग बट hf x नॉट y नॉट। सो k1 मेरा आ गया hf x नॉट y नॉट। अब h तो एज इट इज रहा, फंक्शन में अगर देखूं फंक्शन इज x प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर। x नॉट की वैल्यू 0, y नॉट की वैल्यू 1, पुट किया अपना रिजल्ट निकाल लिया तो ये मेरा k1 आ गया। k2 के लिए जो मेरा फॉर्मूला था, दिस इज एच एफ एक्स नॉट प्लस एच बाय 2 और यहां पर y नॉट प्लस k1 बाय 2। इस चीज को इधर पुट करूंगा, h यहां पर मेरा आ जाएगा एच बाय 2, एक्स की जगह ये डाल दिया मैंने ये चीज और y की जगह ये डाल दूंगा प्लस y नॉट प्लस k1 बाय 2 का होल स्क्वायर। सीधी वैल्यूज पुट करूंगा 0.1, यहां पर आपका 0 प्लस 0.05 हो जाएगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस। अब इसी चीज को आगे देखें, k1 बाय 2 इज नथिंग बट 0.1 बाय 2, तो ये अगेन 0.05 आ गया और इसका स्क्वायर। इनको कैलकुलेट कर लूंगा वैल्यूज को तो 0.1152 मेरा आ गया, ये मेरा K2 आ गया। अब सिमिलरली K3 और K4 निकालूंगा। नेक्स्ट K3 की वैल्यू HF X नॉट प्लस H बाय 2 Y नॉट प्लस K2 बाय 2। अब यहां पर जो फंक्शन है इसमें पुट कर देता हूं, H तो एज इट इज रहेगा, फंक्शन में X की जगह X नॉट प्लस H बाय 2 आ गया, प्लस में Y की जगह Y नॉट प्लस K2 बाय 2, और इसका क्योंकि y स्क्वायर बोला गया तो मैं स्क्वायर कर दूंगा। इस चीज को अब सॉल्व कर लूंगा वैल्यूज पुट कर करके तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा सीधा 0.1168। ये वैल्यूज आप सबमिट कर लेंगे जैसे ऊपर करा है ऐसे यहां पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट अप आई हैव K4। K4 में मेरा हो जाएगा HF X नॉट प्लस H Y नॉट प्लस K3। तो फंक्शन में मैं ये चीजें पुट कर दूंगा, अगर h x की जगह डालूंगा
पूरे फंक्शन में जहां जहां एक्स है, एक्स नॉट प्लस एच, एक ही जगह एक्स है तो यहां पर एक्स नॉट प्लस एच मैंने डाल दिया, प्लस वाई की जगह वाई नॉट प्लस के थ्री, वाई नॉट प्लस के थ्री का होल स्क्वायर, ये चीज मेरी हो गई। इसमें भी अगेन ये वैल्यूज पुट कर लूंगा क्योंकि सारी वैल्यूज मेरे को पता है। इनकी वैल्यूज पुट करने के बाद जो मेरा रिजल्ट आ रहा है 0.1347, ये रिजल्ट आ गया। अब मेरे पास K1, K2, K3, K4 की वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मैं क्या करूंगा, सीधा Y 0.1 के लिए वैल्यू निकाल लूंगा। नाउ लास्ट जो फाइनल वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लूंगा, वाई नॉट प्लस 1/6 K1, 2K2, 2K3 प्लस K4। तो वाई नॉट की जो वैल्यू थी यहां पर मेरे पास 1 थी, प्लस 1/6 K1 की वैल्यू मेरे पास आई 0.1, K2 की वैल्यू 0.1152, प्लस 0. ये ट्वाइस हो जाएगा, प्लस अगेन 2 times ऑफ 0.1168, प्लस 0.1347। इस पूरे का आप रिजल्ट निकाल लोगे, ये जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे। सो इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट जो मेरा आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.1165, ये मेरा रिजल्ट आया। तो ये मेरे वाई की वैल्यू आ गई 4.1, तो इस चीज को मैं कर लूंगा, यहां पर आ गया। अब मुझे क्योंकि असली में 0.2 के लिए चाहिए थी, तो अब इसी पूरे मेथड को एक बार और रिपीट करूंगा और अपना वाई 0.2 के लिए वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो अब आप यहां देखें, जो मेरे पास वैल्यू आई थी एक्स 0.1 के लिए वो मैंने यहां पर पुट कर दी। अगर इसको मैं कहूं कि ये मेरा स्टेप वन था जो मैंने अभी पूरा प्रोसेस किया, नेक्स्ट स्टेप में मेरे को 0.2 के लिए चाहिए, तो ये यहां पर मैं आ चुका हूं, यहां से चला था यहां पर आ गया हूं, यहां पर अब ये मेरा बेस बन जाएगा। तो एक्स नॉट अब मेरा बन जाएगा 0.1 और वाई नॉट मेरा बन जाएगा 1.1165। प्रोसेस पूरा सेम ही रहेगा, सबसे पहले के वन निकालूंगा, एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, एच एक्स नॉट प्लस वाई नॉट का स्क्वायर, यहां पर जो वैल्यूज थी बस वो चेंज हो जाएंगी जो कि आपकी आएंगी यहां पर एक्स नॉट, क्योंकि अब मेरा हो चुका है 0.1 और वाई नॉट मेरा हो चुका है 1.1165, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी रिजल्ट देगी 0.1347। इसी तरह आपका K2 बदलेगा, K3 बदलेगा, K4 बदलेगा और आपका फाइनल रिजल्ट भी बदल जाएगा। सो नेक्स्ट K2 अगर मैं देखूं तो यहां पर H 0.1, एक्स नॉट मेरा 0.1 प्लस H/2, अगेन यही चीजें करके सॉल्व करके रिजल्ट जो मेरे पास है एक्चुअली वो बुक में मुझे गलत लग रहे हैं, क्योंकि बुक में यहां पर 1.1 लिया गया है जो कि गलत है, एक्स मेरा 0.1 आएगा, तो उसके हिसाब से अगर मैं रिजल्ट्स लिख दूंगा तो वो गलत होंगे। ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा और आपका जो रिजल्ट है फाइनल 0.2 के लिए सेकेंड स्टेप में आ गया। ये अगर मैं देखूं तो मेरा स्टेप टू हो जाता, तो स्टेप टू में मैं यहां से 0.1 से यहां पहुंच गया। क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, यहां 0.2 ही पूछा था मेरे से, 0.4 भी पूछ सकता है। अगर ऐसा पूछा होता तो आप जो एच ले रहे हैं बस उसमें ध्यान रखना कि कितना एच लेके मैं पहुंच जाऊं। अब ऐसे नहीं कि अगर 0.2 पूछा था तो मैं एक ही स्टेप में पहुंच जाता, वो भी गलत होता। एक चीज रहती है कि जितने ज्यादा मैं सैंपल लेके और फिर करता हूं उतना ज्यादा मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्शन के करीब आता है, बट हमें कौन सा इतनी ज्यादा परफेक्शन चाहिए, तो जो आंसर बिल्कुल नियर बाय है वो भी चलता है, तो इसलिए आप उस हिसाब से कर लें। अगर मान लीजिए आपको 0.8 बोला होता
तो आप अगर 0.1 से जाते करने 8 सैंपलों को तो बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करेंगे सीधा 2 से करना चालू कर देंगे, या फिर 0.9 दिया होगा तो आप ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा, 0.3 से सैंपल चालू कर देंगे लेना। तो उस हिसाब से आपको एग्जाम में एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी को क्वेश्चन करने, तो वो चीज आप देख लें आपको क्या स्ट्रेटजी यूज करनी है क्वेश्चन के टाइम जब क्वेश्चन आपको आ। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और जो भी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज हमारी जो ऐप है उसके अंदर जाके आस्क डाउट के सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। नीचे कमेंट में इस वीडियो से रिलेटेड छोटा मोटा डाउट आपको है तो वो भी पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।